हेलो गाइस, आप देख रहे हैं बेसिक ज्ञान और इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया की सभी इंटेलिजेंस और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के बारे में। इंटेलिजेंस एजेंसीज का हमारे देश की एक्सटर्नल और इंटरनल सिक्योरिटी बनाए रखने में बहुत बड़ा रोल होता है। हमारे देश की सिक्योरिटी में आर्म फोर्सेज का क्या रोल होता है, इसके बारे में हमने एक रिसेंट वीडियो में डिस्कस किया था, जिसमें हमने कौन कौन सी डिफरेंट आर्म फोर्सेज होती हैं और उनके क्या रोल होता है सारी कवर की थी। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है और देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। अभी बात करते हैं इंडिया की डिफरेंट डिफरेंट इंटेलिजेंस और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज और उनके रोल की। सबसे पहले आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो। आईबी इंडिया की घरेलू इंटेलिजेंस और काउंटर इंटेलिजेंस एजेंसी है, जो इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़े मैटर्स पे इन्वेस्टिगेशन करती है। काउंटर इंटेलिजेंस का मतलब होता है कोई और फॉरेन एजेंसी अगर आईबी के एक्शंस या किसी इंटेलिजेंस प्रोग्राम पे नजर रख रही है तो उसे रोकना। आईबी बहुत पुरानी एजेंसी है। इसे 135 साल पहले 1887 में अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था। उसके बाद 1921 में इसका नाम आईपीआई इंडियन पॉलिटिकल इंटेलिजेंस पड़ा। अंग्रेज तब इसे इंडियन फ्रीडम फाइटर्स के प्लान्स और एक्शंस पे नजर रखने के लिए यूज करते थे। फिर इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद 1947 में आईपीआई का नाम बदल के आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो रख दिया गया और इसे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर डाल दिया गया। आईबी का काम है नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलों में इंडिया के अंदर इंटेलिजेंस गैदर करना, और अगर इंडिया में रहते हुए ही कोई ऑर्गेनाइजेशन या पर्सन इंडिया के खिलाफ सीक्रेटली प्लान बना रहा है तो उनका पता लगाना। इंटेलिजेंस ब्यूरो में टोटल अप्रॉक्सीमेटली 15,000 से 20,000 लोग काम करते हैं, और इसके डायरेक्टर यानी डायरेक्टर ऑफ आईबी हमेशा एक आईपीएस ऑफिसर होते हैं, जो आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस की हाईएस्ट पॉसिबल पोस्ट होती है। नेक्स्ट, रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। रॉ इंडिया की फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी है, जो डायरेक्टली इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के अंडर आती है। रॉ को 1968 में बनाया गया था। ETS इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्निकल सर्विसेज और ARC एविएशन रिसर्च सेंटर इसकी चाइल्ड एजेंसीज हैं। रॉ का प्राइमरी काम होता है विदेशों से जुड़ी इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करना, टेररिज्म से जुड़े मैसेज को डिकोड करना, कोई देश या ऑर्गेनाइजेशन अगर इंडिया के खिलाफ प्लानिंग कर रही है उसका पता लगाना। रॉ का काम बहुत ही रिस्क से भरा होता है, इसलिए इसके काम और इसमें काम करने वाले इंप्लॉय से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को क्लासिफाइड रखा जाता है, इसलिए इंटरनेट पे आपको रॉ के बारे में बहुत कम इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी। इनके सभी एक्शंस और ऑपरेशंस खुफिया होते हैं। नेक्स्ट, CBI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। CBI को 1941 में अंग्रेजों द्वारा World War II में हुए करप्शन केसेस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए बनाया गया था। तब इसका नाम SPE यानी स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट था। फिर बाद में 1963 में इसका नाम बदलकर CBI रखा गया और इसे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर डाला गया। लेकिन अब CBI मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंस एंड पेंशन के डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग यानी डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर के अंडर आती है। CBI सेंट्रल गवर्नमेंट की सबसे मेन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, जिसके हेड हमेशा एक आईपीएस ऑफिसर होते हैं। CBI में अप्रॉक्स 5,000 to 7,000 लोग काम करते हैं, और इसमें 3 मेन डिविजन्स होते हैं: इकोनॉमिक ऑफेंस डिविजन, एंटी करप्शन डिविजन, स्पेशल क्राइम डिविजन। CBI को शुरू में गवर्नमेंट की घूसखोरी और करप्शन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए बनाया गया था, लेकिन फिलहाल CBI ऐसे केसेस को भी इन्वेस्टिगेट करता है जो 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट से जुड़ा हो या फिर किसी दूसरी गवर्नमेंट एजेंसी से जुड़ा हो, या ऐसे केस जिनकी नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस हो। और इसके अलावा CBI स्टेट गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट पे ऐसे सीरियस केसेस को भी हैंडल करता है जिनकी पब्लिक इंपॉर्टेंस हो। नेक्स्ट, NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। NIA इंडिया की काउंटर टेररिस्ट टास्क फोर्स है, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती है। इसके डायरेक्टर भी एक आईपीएस ऑफिसर होते हैं और इसमें अप्रॉक्स 600 to 700 लोग काम करते हैं। NIA को 2008 में मुंबई में हुए 26/11 टेरर अटैक के बाद टेररिज्म एक्टिविटीज के अगेंस्ट इंडिया की सिक्योरिटी को और पुख्ता करने के लिए बनाया गया था। इसका काम होता है टेररिज्म से जुड़ी किसी भी एक्टिविटी को ट्रैक करना और टेररिस्ट के ऑपरेशंस को फेल करना। इसके लिए NIA एक मोस्ट वांटेड लिस्ट मेंटेन रखती है। NIA का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, लेकिन इसके अलावा इसकी ब्रांचेस दूसरे सिटीज जैसे हैदराबाद, गुवाहाटी, कोची, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, रायपुर और जम्मू में भी हैं। NIA के ऑपरेशंस नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े होते हैं, इसलिए इन्हें किसी भी स्टेट में स्टेट की परमिशन के बिना इन्वेस्टिगेशन करने की अथॉरिटी होती है। नेक्स्ट, NTRO नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। NTRO इंडिया की टेक्निकल इंटेलिजेंस एजेंसी है, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के अंडर आती है। इसे 2004 में बनाया गया था और इसका काम करने का तरीका भी रॉ और आईबी की तरह ही होता है, इसलिए इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस भी सेम होते हैं। NTRO भी एक खुफिया एजेंसी है,
इसलिए इसके बारे में मोस्टली इन्फॉर्मेशन क्लासिफाइड है। एनटीआरओ कई चीज़ों में स्पेशलाइज होती है, जैसे रिमोट सेंसिंग, डेटा गैदरिंग एंड प्रोसेसिंग, साइबर सिक्योरिटी, क्रिप्टोलॉजी, स्ट्रेटेजिक हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और स्ट्रेटेजिक मॉनिटरिंग। एनटीआरओ अपने ऑपरेशंस के लिए सैटेलाइट्स का यूज़ करती है, जैसे TES टेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंट सैटेलाइट, कार्टोसैट 2B, रिटसेट 1, रिटसेट 2 एटसेट्रा। इसके अलावा एनटीआरओ इंडिया के ओशियन सर्विलेंस शिप INS ध्रुव को भी इंडियन नेवी के साथ मिलकर ऑपरेट करती है। नेक्स्ट, DIA डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी। DIA इंडियन आर्म फोर्सेज की सेपरेट इंटेलिजेंस एजेंसी है जो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर आती है। इसे 2002 में बनाया गया था। DIA इंडियन आर्म फोर्सेज आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के इंटेलिजेंस रिलेटेड मैटर्स के लिए नोडल एजेंसी का काम करती है, इसलिए ये दूसरी इंटरनल और एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी से अलग होती है। DIA इंडियन आर्म फोर्सेज के सभी टेक्निकल इंटेलिजेंस एसेट्स को भी कंट्रोल करती है, जैसे डायरेक्टरेट ऑफ सिग्नल इंटेलिजेंस, जिसका काम होता है दुश्मन द्वारा भेजे गए खुफिया मैसेज को डिकोड करना, DIPAC डिफेंस इमेज प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस सेंटर, जो सैटेलाइट का यूज करके इमेजेस को सर्च और एनालाइज करते हैं। DIA के अलावा आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की अपनी अपनी एक सेपरेट इंटेलिजेंस एजेंसी भी होती है, जैसे आर्मी की डायरेक्टरेट ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस, नेवी की डायरेक्टरेट ऑफ नेवल इंटेलिजेंस, एयरफोर्स की डायरेक्टरेट ऑफ एयर इंटेलिजेंस। ये तो थी इंडिया की सिक्योरिटी से रिलेटेड डिफरेंट इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज। इनके अलावा कुछ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज भी होती हैं, जैसे ED, डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट। ED इंडिया की लॉ एनफोर्समेंट और इकोनॉमिक इंटेलिजेंस एजेंसी है, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आती है। इसका काम होता है इंडिया में इकोनॉमिक क्राइम्स को इन्वेस्टिगेट करना। इसे 1956 में बनाया गया था और इसमें टोटल अराउंड 2000 लोग काम करते हैं, जिसमें IRS, IPS, IAS से भी ऑफिसर्स डेपुटेशन पे काम करने आते हैं। ED का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसके अलावा मुंबई, चेन्नई, चंडीगढ़ और कोलकाता में भी इसके रीजनल ऑफिसेज हैं। इसके अलावा और शहरों में भी इसके जोनल और सब जोनल ऑफिसेज होते हैं। ED के पास पावर होती है कि जितने भी अमाउंट का स्कैम या घपला हुआ है, उसके 3 गुना से पेनल्टी वो घपला करने वाले पर इम्पोज कर सकता है, और इसके अलावा ED घपला करने वाले पर्सन की प्रॉपर्टी को जब्त भी कर सकता है। नेक्स्ट, DRI डायरेक्टरेट ऑफ रिवेन्यू इंटेलिजेंस। DRI इंडिया की एपेक्स एंटी स्मगलिंग इंटेलिजेंस एजेंसी है, जिसे 1957 में बनाया गया था, और ये CBIC यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के अंडर काम करती है। इस इंटेलिजेंस एजेंसी के हेड हमेशा एक IRS इंडियन रिवेन्यू सर्विस ऑफिसर होते हैं। DRI की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इंडिया की नेशनल और इकोनॉमिक सिक्योरिटी बनाए रखना। इसका काम होता है फायरआर्म्स, गोल्ड, नारकोटिक्स, फेक इंडियन करेंसी नोट्स, एंटीक्स, वाइल्ड लाइफ एंड इन्वायरमेंटल प्रोडक्ट्स एटसेट्रा की स्मगलिंग यानी तस्करी को रोकना। और इसके अलावा DRI का काम होता है ब्लैक मनी ग्रोथ, मनी लॉन्ड्रिंग और कमर्शियल फ्रॉड्स को रोकना। नेक्स्ट, NCB नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। NCB इंडिया की ड्रग लॉ एनफोर्समेंट और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, जो होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है। इसे 1986 में बनाया गया था। NCB के डायरेक्टर भी एक IPS ऑफिसर होते हैं और इसमें अप्रॉक्स 1000 लोग काम करते हैं। NCB का काम होता है ऑल इंडिया लेवल पे ड्रग ट्रैफिकिंग के मैटर्स पे इन्वेस्टिगेशन करना और ड्रग स्मगलिंग जैसी एक्टिविटीज को ट्रैक करना। नेक्स्ट, FIU फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। FIU डायरेक्टली डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर आती है, जो इंडिया में हुए किसी भी इकोनॉमिकल ऑफेंस से रिलेटेड फाइनेंशियल इंटेलिजेंस कलेक्ट करती है और उसे EIC इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल को रिपोर्ट करती है, जिसे फाइनेंस मिनिस्टर हेड करते हैं। FIU को 2004 में बनाया गया था और इसमें टोटल 70-80 लोग काम करते हैं, जो CBDT, CBIC, RBI और SEBI जैसी संस्थाओं से डेपुटेशन पे इस एजेंसी में काम करने आते हैं। तो ये थी इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज। अगर किसी भी एजेंसी का नाम यहाँ हमसे छूट गया तो वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, और हमें ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करो यार, एंड नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।